भरतपुर में शुक्रवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कलेक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इसके माध्यम से गर्ग ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम को लेकर हुई समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने बताया कि मुख्यमंत्री गहलोत से आग्रह किया है कि भरतपुर में कोरोना की जांच सुविधा जल्द से जल्द शुरू की जाए, इससे यहां क्वारंटाइन में रखे गए संदिग्धों की समय से जांच हो सके। साथ ही मेडिकल कॉलेज को और अधिक उन्नत बनाने के लिए चिकित्सकीय उपकरण और अन्य जरूरी सामान मुहैया कराने का आग्रह भी किया है। उन्होंने कहा कि ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को आपदा प्रबंधन नियमों में मुआवजे का भुगतान शीघ्र करने का निवेदन किया है। उन्होंने बताया कि भरतपुर जिले में समर्थन मूल्य पर 1 मई से शुरू हो रही खरीद को भी शीघ्र शुरू करवाने का आग्रह भी किया गया है, इससे किसानों को उनकी फसल का उचित और सही दाम मिल सकेगा। पंद्रह सोलह मंत्री जो विभागों से संबंधित थे, जो कोरोना से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए, वो उन विभागों के अधिकारी, उन्होंने सारी जो कोरोना महामारी फैली है, वैश्विक महामारी है, उसकी क्या स्थिति है, आपके विभाग में क्या हो रहा है और जिलों में क्या स्थिति है, उसका सारा फीडबैक लिया। मैंने न केवल अपने विभाग का बल्कि भरतपुर के प्रतिनिधि होने के नाते जो भरतपुर में जो कोरोना की स्थिति है उसमें एक दो तीन चीज़ें मैंने सुझाव के रूप में माननीय मुख्यमंत्री को दी हैं कि एक तो यहाँ टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर जल्दी जल्दी शुरू किया जाए, यहीं के जो रोग जो संदिग्ध हैं या क्वारंटाइन में रह रहे लोग हैं उनकी यहीं टेस्टिंग